ऐसा भी कहते हैं कि ये समाधि जो नजदीक आ रही है, धीरे धीरे के पास आ रही है, ऐसा मैंने सुना है, लोग कहते हैं। हाँ, वो गंगा लाल बागरी है, समाधि काफी दूर तक थी, काफी दूर थी तो धीरे 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 ये नजदीक आती चली जा रही है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है कि जैसे ये धुना है तो आप कहीं पे भी ये जैसे धुएं से हो रखा है, लेकिन कहीं से भी हाथ काला वगैरह नहीं हुआ। हाँ दोस्तों, ये जो चीज है बिल्कुल ये धुएं से ब्लैक हुआ है, लेकिन ये जब ऐसा करते हैं तो बिल्कुल कहीं हाथ पे काला दाग नहीं हो रहा है। समाधि जो है मुस्लिम मजार की तरह बनी हुई है दोस्तों, और इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, और मैं हूँ धर्मेंद्र। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पहाड़ी, और ये जो मंदिर, जो ये समाधियाँ बनी हुई है, ये जीवित समाधियाँ है, और आज मैं उसी जगह आपको दर्शन करवाने लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आपने अगर चैनल को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर जाए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं आगे, आज श्रीमती जी साथ है तो हम बढ़ रहे हैं आगे। दोस्तों, तो अब अपन प्रवेश कर चुके हैं, यहाँ शायद कोई संत महात्मा भी होंगे, उनसे भी आपको मिलाएंगे, और ये देख लीजिएगा, ये जो समाधियाँ हैं इनके भी आपको दर्शन करवाएंगे। ये काजलवास का जो है, ये जो स्थान, ये अरावली की पहाड़ी में आया हुआ है, और अभी ये स्थान जो है, यहाँ पहले मैं आपको संत महात्मा के दर्शन करवाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो चलते हैं ऊपर, ये संत महात्मा का जो यहाँ स्थान है, और ये देख लीजिए, ये पुरानी जो शिव जी की वगैरह की ये मूर्तियाँ, शिवलिंग जो है ये बने हुए हैं, और इधर यात्रियों के रुकने के लिए है, और यहाँ भी बाबा जी बैठे हैं, और शायद अंदर महात्मा जी होंगे, तो पहले प्रणाम कर लेते हैं उनको, फिर आपको मैं वो उस समाधियों के बारे में जानकारी भी दिलवाऊंगा, अगर महात्मा जी से बात हुई तो। तो दोस्तों, ये आसन है, तो सबसे पहले तो यहाँ प्रणाम करते आदि, ये नाथ जी का आसन है दोस्तों, और अंदर भी ये आसन है जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो केशव, ये देख लीजिएगा, ये पुराना आसन, और वो दिव्य ज्योत जो अखंड ज्योति है, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे कि ये थोड़ा अंधेरा होने की वजह से सिर्फ आपको ये ज्योति नजर आ रही है, और ये बाबा जो गंगा नाथ जी का यह आसन है, जो थोड़ा करीब से केशव इसको दिखाने की कृपा करें, और ये कमंडल, और ये बाबा गंगा नाथ जी का आसन, बड़ी सिद्ध मूर्ति थी जो बाबा गंगा नाथ जी। अब अपन चलते हैं बाहर, तो ये आपने देख लिया, ये नौ नाथों के लिए जो ये यहाँ जो शरण पादुका वगैरह, और जो इनके बजाने के वाद्य यंत्र वगैरह थे सुर, और ये यहाँ का दूना है, और ये शिव जी का एक फोटो लगा हुआ भी है। तो संत महात्मा, एक्चुअली दोस्तों मैंने बताया था आपको, वो बारी बैठे हुए हैं, उनसे ही जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि यहाँ के स्थान की क्या मेहनता है। दोस्तों, तो पहले बाबा जी ने प्रसाद दिए, हरीश बाबा जी, वाह बहुत है बाबा जी, बहुत बहुत है, बहुत। तो दोस्तों, ये मोहननाथ जी है, इनसे थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, और फिर आपको बताते हैं यहाँ के ये जो जीवित समाधियाँ है, जो कि सब ये दिखा इस एरिया की, और पीछे पहाड़ी आई हुई है, तो इसके बारे में। तो बाबा जी, ये जो स्थान जो है, ये कितने समाधि है? 11 समाधि है, जीवित समाधि है। 11, तो इसके बारे में कोई थोड़ी जानकारी तो दो, ये स्थान कितना पुराना है? ये तो 7,000 वर्ष हुआ, 7,000 वर्ष पुराना। दोस्तों, ये स्थान 7,000 वर्ष पुराना स्थान है, और यहाँ जो सबसे पहले कौन से बाबा जी हुए थे? दुर्गल नाथ जी, धर्मनाथ जी। अच्छा, मोटी छपड़ी है। अच्छा, ये समाधि। अच्छा, शामिल है। अच्छा, ये ऐसा भी कहते हैं कि ये समाधि जो नजदीक आ रही है, धीरे धीरे के पास आ रही है, ऐसा मैंने सुना है, लोग कहते हैं। हाँ, वो गंगा नाथ बागरी है।
अच्छा वो सही बात है क्या? तो दोस्तों यहाँ एक कलयुग में चमत्कार की बात भी आपको मैं कह देता हूँ। दोस्तों यहाँ जो समाधियाँ बनी हुई है, ये कितने समाधि है भाजी? 11 समाधि है। 11 समाधियों में से दो समाधि किस किस की है? गंगा जी शामिल है। हाँ तो वो समाधियाँ नदी का रही है, वो गंगा नदी की आ रही है। अच्छा तो गंगा नदी की समाधि जो है ऑटोमेटिकली कुदरती प्राकृतिक एक चीज है जो नदी का रही है। तो भाजी इसके नदी का कारण क्या हो सकता है? वो आग समाधि ने मतलब वचन किया। अच्छा हाँ बात नहीं को भट्टी जी। अच्छा मुसलमानी राज होगा। अच्छा वापिस एक बार तो हो चुका है, अब वापिस एक बार होगा, वो हो गया वो। अच्छा तो वो हो गया वो उसी के बारे में। तो दोस्तों ये जो है उस समाधियों के भी मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। ये बाबा जो थे मोहन नाथ जी महाराज जो यहाँ व्यवस्था संभालते हैं, और आपको मैंने इनके दर्शन भी करवा दिए, इनसे बात भी करवा दी। अब चलते हैं उन समाधियों की। दोस्तों इस धुने की एक विशेषता है, तो ये यहाँ जो आए हुए है श्रद्धालु लोकल यहाँ के लोकल है, पास के सरियारी गाँव की है। तो ये इन्होंने बताया ये धुना कितने साल पुराना? ये तो काफी वर्षों से मतलब इसका पता हम लगा नहीं सकते। बाबाजी ने वैसे यहाँ के प्रमुख पुजारी उन्होंने बताया 7000 वर्ष। वैसे ये मतलब इसका कोई अंदाजा ही नहीं है। तो आप ही आए का चमत्कार बता रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज है कि जैसे ये धुना है तो आप कहीं पे भी ये जैसे धुएं से हो रखा है लेकिन कहीं से भी हाथ काला वगैरह नहीं हुआ। हाँ दोस्तों ये यहाँ की विशेषता बिल्कुल ये धुएं से ब्लैक हुआ है लेकिन ये जब ऐसा करते है तो बिल्कुल कहीं हाथ पे काला दाग नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी यहाँ की विशेषता है। और ये देख लीजिएगा आप मेरा हाथ, ये पूरा गीत दिया मैंने, बिल्कुल कहीं ऐसा नहीं हो रहा है। और अंदर धुना है जो अखंड यहाँ के पुजारी मतलब लकड़ देते रहते हैं, यार जब से ये साधु संत तपस्या कर रहे हैं तब से ये धुना चालू है यहाँ का, अंदर का ये वाला धुना अंदर है स्थापित है। और ये अंधेरा होने की वजह से ये आपको मैं थोड़ा दिखाने में अंदर प्रॉब्लम हो रही है। हिंगलाज मतलब नाथों की कुलदेवी है, हिंगलाज माता का मंदिर भी है अंदर, वो भी यहाँ पे। तो दोस्तों अब आप मैं अंदर का तो आपको मैंने दिखा दिया, अब चलते हैं सामने जो वहाँ समाधि बनी हुई है जीवित समाधि वगैरह उसके बारे में आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक बड़ा वट वृक्ष था पहले, तो पहले था तो अभी निकालने के बाद ये सब मूर्तियाँ महादेव जी की जो वहीं तो से मतलब अंदर से निकली है वट वृक्ष के अंदर, वट वृक्ष के अंदर से निकली है मूर्तियाँ सब। अच्छा 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 पहले से स्थापित थी अंदर तो वहां से ये फिर वापस इसे यहाँ पे, यानी काफी बहुत पुराना स्थान, बहुत पुराना स्थान। दोस्तों तो अब बढ़ चले हैं, ये जो है किस समाधियाँ दिखा, यहाँ पे अंदर लेडीज अलाउ नहीं है, आप वही रहना, महिला अंदर प्रवेश नहीं है। यहाँ कोई लेडीज तंबाकू बीड़ी सिगरेट अगर रहे तो आप बाहर रख सकते हैं। और ये परकोटा बना हुआ है, ये यहाँ पे 11 जीवित समाधि है। अच्छा अच्छा ये 11 ये 11 जीवित समाधि है, इन्होंने सब नाथ संप्रदाय, सब नाथ संप्रदाय है। ओम नमः शिवाय। अच्छा अच्छा आप बोलते जाइए। ये शिव उपासक है। अच्छा ये शिव जी की आराधना में, शिव जी की आराधना किया करते थे। अच्छा तो इन्होंने जीवित समाधि ली है। और ये यहाँ की काजलास नाम में सबसे प्रथम जीवित समाधि है, धुंधलनाथ जी की, धुंधलनाथ जी धर्मनाथ जी गुरु शिष्य की एक ही जीवित समाधि है। तो गुरु और शिष्य दोनों ने एक साथ जीवित समाधि ली थी यहाँ पर। अच्छा 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 तो ये गुरु सबसे पहले काजलास की सबसे प्रथम समाधि और गुरु शिष्य एक साथ, गुरु शिष्य मतलब शिष्य जब गुरु यहाँ पे समाधि ले रहे थे तब शिष्य ने जिद की कि नहीं मैं भी आपके साथ दीक्षा लूंगा मतलब समाधि लूंगा। अच्छा। तो आप दोनों ने एक साथ समाधि ली। मस्तक होते हैं धुंधलनाथ जी धोरमनाथ जी, ये उनकी समाधि है। दोस्तों ये आपको दिखा रहे हैं, ये भाई साहब यहाँ के प्रॉपर है। तो और भी ये समाधि पास ये सब अच्छा, समाधि एक वो जो है मैं बताता हूँ आपको गंगानाथ जी की समाधि जो नजदीक आ रही है। अच्छा। उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ। अच्छा चलिए तो बताइए आप। ये यहाँ का है, ये सब जीवित समाधि है। अच्छा ये गंगानाथ जी
एक तो गंगा नाथ जी अलग थे, ये गंगा नाथ जी के समान। अच्छा, तो वो जो गंगा नाथ जी बोलते हैं वो अलग है। अच्छा। और गंगा नाथ जी अलग है। अच्छा अच्छा, ये गंगा नाथ जी के दादा गुरु है। अच्छा अच्छा अच्छा, गुरुदेव के गुरु गंगा नाथ जी। और यहाँ के पुजारी भी बताते हैं कि ये हर साल ये और ये समाधि, ये समाधिया नजदीक आती है। साल में कोई ये गेहूं के दाने जितने खिसकती है। अच्छा। मतलब ये दोनों जैसे जैसे ये वाली समाधि नजदीक आती जाती है, इस समाधि के नजदीक, इस समाधि के नजदीक। तो बड़ी मतलब एक ये मानने योग्य बात नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि ये जो समाधियां हैं आप देख रहे हैं कि सब, थोड़ा पीछे जा और इन दोनों समाधियों को थोड़ा अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करो। हम जो खड़े हैं दोस्तों, दोनों ये यहाँ की स्थानीय है और मैं तो आपको ये दिखा रहा हूँ। पहले यहाँ पे बताते थे कि यहाँ के पुजारी जो मोहन जी ने, उन्होंने मतलब इनके टाइम में इनके दादा परदादा ने ऐसे बता, यहाँ के बुजुर्ग भी बताते हैं कि ये समाधि काफी दूर तक थी, काफी दूर थी, काफी दूर थी, तो धीरे 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 ये नजदीक आती चली जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दोस्तों ये पूरी जैसे यहाँ के स्थानीय पुजारी मोहनाथ जी ने बताया था। अच्छा, कि यहाँ के मतलब एक बार मुस्लिम राज आएगा, तब ये गंगानाथ जी ने फरमाया था। तो उस समय गंगानाथ जी ने बोला कि मेरे समाधि पे वो गुंबद मजार टाइप ने ऐसा बना दीजिए, ताकि जब भी मैं आपको आपके साथ जब मुस्लिम राज खोलिएगा, मुस्लिम राज जाइएगा और बताते जाइएगा ऊपर जा, और ये समाधि जो है मुस्लिम मजार की तरह बनी हुई है दोस्तों। और इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एक बार मुस्लिम राज्य आएगा और उसमें जो ये समाधि मुस्लिम टाइप की ये मजार जो होती है, तो एक्चुअली उस समय हमारी समाधि के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसलिए वापस वैसा उस टाइम बनवा दिया था। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा, ये जो समाधि आपको दिखा दी, और वो उनकी भविष्यवाणी सत्य भी हुई है। एक बार मुस्लिम राज निकल गया, आके भी चला गया, बस वो हो गया वो। अच्छा अच्छा, और ये अंतिम समाधि यहाँ के काजलवास के बहुनाथ जी की यहाँ पे 11 जीव समाधि के बाद 11 समाधियाँ जो आप देख रहे हैं जो, और ये लास्ट वाली समाधि जो है श्री श्री 108 बहुनाथ जी महाराज की समाधि है, ये जो काजलवास में अंतिम समाधि है। काजलवास यहाँ की जो है बात कर रहे हैं, जहाँ हम खड़े हैं अभी, और यहाँ की अंतिम जीवित समाधि दोस्तों ये है। तो लास्ट में भाई साहब मैं आपसे नाम जानना चाहूंगा, दोस्तों मैंने इनसे नाम भी नहीं पूछा, नाम रवि मेवाड़ा है, रवि मेवाड़ा जी, ये यहाँ के पास के गांव के रहने वाले हैं, गांव है, और आना जाना रहता है, और यहाँ के भक्त है, तो इनसे ये जानकारी मिली, इन्होंने सहयोग भी किया। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब इस वीडियो से लेता हूँ विदा, फिर मिलता हूँ कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।